रिनो ने शायद एक मंथ पहले ही उनकी लेजेंडरी एसयूवी डस्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया है। एंड जब से वो डिसकंटिन्यू हुई है तब से फैंस के माइंड में एक ही सवाल है, क्या न्यू जनरेशन डस्टर इंडिया में आएगी या फिर उसके बदले कोई और कार आएगी। बट कुछ दिनों पहले इंडियन रोड्स पे रिनो के कूपे एसयूवी अरकाना स्पाई हुई थी, तो क्या ये रिनो अरकाना डस्टर का रिप्लेसमेंट होगा या ये कोई अलग से न्यू कार होगी। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं रिनो अरकाना में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, अगर वो इंडिया में लॉन्च हुई तो क्या प्राइस पे लॉन्च होगी एंड क्या वो डस्टर को रिप्लेसमेंट करेगी या नहीं। अगर बात करें रिनो अरकाना के डायमेंशंस की, रिनो अरकाना की लेंथ लगभग 4545 मिलीमीटर है, हाइट 1565 मिलीमीटर है एंड विड्थ 1820 मिलीमीटर है, मतलब कि ये कार डस्टर से बड़ी है। डस्टर की लेंथ अप्रोक्स 4340 मिलीमीटर थी, सो ये चांसेस तो बहुत कम है कि अरकाना डस्टर का रिप्लेसमेंट हो, बिकॉज अरकाना की साइज के कारण वो डस्टर से एक सेगमेंट अबोव प्लेस होगी एंड उसी हिसाब से इसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। एंड वैसे भी रिनो ने ये कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन डस्टर इंडिया में 2023 तक लॉन्च होगी, सो अरकाना डस्टर का रिप्लेसमेंट तो नहीं है। अब बात करते हैं अरकाना में क्या क्या आता है। अरकाना एक कूपे स्टाइल एसयूवी या फिर कहो तो क्रॉसओवर है। ये 2019 में सबसे पहले रशियन मार्केट्स में लॉन्च की गई थी, बट देन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च की गई। अगर आपको याद हो तो इंडिया में पहले रिनो कैप्चर करके कार आती थी, इंटरनेशनल मार्केट में अरकाना कैप्चर से ऊपर वाले सेगमेंट में बिकती है। अगर बात करें एक्सटीरियर की तो अरकाना में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, 18 इंच एलॉय व्हील्स, एलईडी टेल लाइट्स एंड स्कूप्ड रियर बम्पर जैसे फीचर्स मिलते हैं। एंड रिनो अरकाना एक कूपे एसयूवी होने के कारण इसका डिजाइन एंड लुक थोड़ा यूनिक एंड डिफरेंट लगता है। एंड अगर बात करें इंटीरियर की तो इंटीरियर में अरकाना में आपको 7 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स एंड स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अरकाना में इंटीरियर में आपको वायरलेस चार्जर एंड वेंटिलेटेड सीट जैसे फैंसी फीचर्स तो नहीं प्रोवाइड किए जाते, बट वहां पे आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन, एडास का फीचर्स, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कलिशन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट एटसेट्रा जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं। बट हाँ, अगर ये कार इंडिया में लॉन्च हुई तो यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव या फिर ऑटोनोमस वाले फीचर्स शायद ना आए एंड उसके बदले सनरूफ एंड वेंटिलेटेड सीट्स आ सकती है। एंड अगर बात करें इंजन की तो इंटरनेशनल मार्केट में अरकाना में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड इंजन एंड 1.6 लीटर फुल्ली हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। बट इंडिया में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आने के चांसेस ज्यादा है, जो 154 bhp का पावर एंड 262 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं कि क्या ये इंडिया में लॉन्च होगी एंड अगर हाँ तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है एंड ये कौन सी कार्स को कम्पीट करेगी। अरकाना डस्टर का रिप्लेसमेंट तो नहीं है एंड न्यू जनरेशन डस्टर फ्यूचर में वापस आने ही वाली है, सो ये डस्टर के ऊपर वाले सेगमेंट यानी कि जीप कंपास, एमजी हेक्टर एंड टाटा हैरियर के सेगमेंट में लॉन्च हो सकती है। बट अब तक रिनो ने इस चीज का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है एंड अगर ये कार इंडिया में लॉन्च भी हुई तो इसकी प्राइसिंग की दो पॉसिबिलिटीज है। अगर ये इंडिया में बिल्ड की गई तो इसकी प्राइसेस 15-17 लाख के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगर ये कार एज ए CBU या CKD इंपोर्ट करके इंडिया में लिमिटेड अमाउंट में बेची गई तो ये कार अबाउट 20 लाख भी जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, अगर रिनो अरकाना इंडिया में लॉन्च हो तो क्या आप ये कार लेना पसंद करेंगे? आपका ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।